हेलो, वेलकम ओनली प्रैक्टिस क्वेश्चंस चैनल में आपका स्वागत है। तो आपका जो पीटी का प्रैक्टिस पेपर चल रहा था उसका पार्ट टू जो है वो अब अपलोड होगा पढ़ाने के बाद में, ठीक है। तो चलिए 51 क्वेश्चन से देखते हैं। निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? लाइट हाउस परियोजना का अगरतला, चेन्नई, रांची और पटना। 51 का ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो पटना करेक्ट होगा। वर्ष 2021 में पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यों में 6 स्थानों पर ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत लाइट हाउस परियोजना की आधारशिला रखी थी। कितने? 6 स्थानों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाइट हाउस परियोजना की आधारशिला रखी थी। 6 स्थानों पर, मतलब राज्यों में 6 स्थानों पर। लाइट हाउस परियोजना की शुरुआत यूपी के लखनऊ से हुई, यूपी में लखनऊ से, और अगरतला में हुई, त्रिपुरा में है जो कि, और फिर चेन्नई में हुई और रांची में हुई, चेन्नई और दूसरा रांची में हुई। तो ये 2, 3, 4 रांची में हुई और राजकोट गुजरात में हुई और इंदौर एमपी में हुई। ये 6 जगहों पर, इंदौर एमपी, राजकोट गुजरात, रांची, चेन्नई, अगरतला और लखनऊ में लाइट हाउस परियोजना क्रियान्वित की गई। बिहार पटना में नहीं हुई है, ठीक है। चलिए, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? तो रिलायंस जियो जो है वो विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है। ब्रांड फाइनेंस 500 में रैंकिंग के अनुसार सबसे मजबूत ब्रांड है। केरारी दूसरा, रूसी बैंक SBR और कोका कोला क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर है, जबकि एप्पल, अमेजन, अलीबाबा और पेप्सी जैसी दिग्गज कंपनियों को रिलायंस जियो ने पीछे छोड़ दिया है, ठीक है, बहुत बड़ी बात है। बोल्ड बम्बू ओसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई? तो ये राजस्थान राज्य में शुरू की गई थी। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा मरुस्थलीकरण को कम करने तथा आजीविका को बहुविषयक ग्रामीण उद्योग सहायता प्रदान करने के लिए ये योजना शुरू की गई राजस्थान राज्य में। इसके तहत असम से लाई गई बांस की विशेष प्रजातियों को यूज करके कुछ शुष्क भूमि में लगाया, कुछ इस तरीके से वर्क किया गया। नेक्स्ट है 54, संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत COVID-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत जो मुफ्त वैक्सीन आई वो पाने वाला देश घाना बना। कौन सा देश है? घाना। कोवैक्स योजना के तहत COVID-19 की जो मुफ्त वैक्सीन पाने वाला देश है वो घाना है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ द्वारा निर्मित एस्ट्राजेनेका के टीके की 6 लाख खुराक मिली है। उसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित एस्ट्राजेनेका के टीके, किसके टीके? एस्ट्राजेनेका के टीके की 6 लाख खुराक मिली है। नेक्स्ट 55 का क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? कल्पना चावला कहाँ से आ गई? सिरिसा बांदला, ऋतु कारीधाल, श्रेया बांदला और कल्पना चावला तो है ही नहीं। तो अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी यात्री महिला जो है वो है सिरिसा बांदला है। उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया? तो उसका नाम है सुमित मलिक को खेल की विश्व साखी निकाय 2 साल के लिए, सुमित मलिक जो कि पहलवान है उनको डोपिंग चार्ज से प्रतिबंधित कर दिया गया। भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां पर एंड टू एंड कैबिनेट प्रणाली हिमाचल प्रदेश में लागू की गई है? कैबिनेट ज्ञापन और कैबिनेट की कार्यवाही को कागज रहित बनाकर हिमाचल प्रदेश ने
ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, तो ई कैबिनेट प्रणाली किस राज्य में शुरू हुई? हिमाचल प्रदेश राज्य में ई कैबिनेट प्रणाली शुरू हुई है। 58, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDISC+ शुरू किया गया? तो किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? शिक्षा मंत्रालय द्वारा UDISC शुरू किया गया। यह स्कूल और उसके संसाधनों से संबंधित कारकों के विषय में विवरण एकत्र करने संबंधी एक एप्लीकेशन है। ठीक है, ध्यान रहेगा। और UDISC में का पूर्ण रूप यूनाइटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, यूनाइटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम एजुकेशन फॉर प्लस, सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है UDISC+। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं 59, स्मार्ट निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड अम्बेसडर चुना? तो किसको अपना ब्रांड अम्बेसडर वीवो ने बनाया है? विराट कोहली को, विराट कोहली को ब्रांड अम्बेसडर बनाया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल सुपीस भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया? तो ये सर्वोच्च न्यायालय के लिए शुरू किया गया है। सुपेस कौन सा है? सुपेस भारत में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य कानूनी अनुसंधान के लिए न्यायाधीशों की सहायता करना। सुपेस का पूर्ण रूप है सुप्रीम पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी। यह उपकरण प्रासंगिक तथ्यों कानूनों को एकत्र करता है और उन्हें न्यायालयों के लिए उपलब्ध कराता है। कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो उत्तराखंड हो गया जो सीमा साझा करता है, यूपी हो गया, थर्ड हो गया बिहार, फोर्थ हो गया पश्चिम बंगाल और फिफ्थ हो गया सिक्किम। कौन हो गया? सिक्किम। तो 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? तो कोस्टा रिका की राजधानी सान जोस है। बांग्लादेश की ढाका, चीन की बीजिंग और दिल्ली। चलिए 63 क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? तो मलयालम जो है वो लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा है। ठीक है, लक्षद्वीप 32 किलोमीटर के क्षेत्र वाले, लक्षद्वीप कितने किलोमीटर का क्षेत्र है? 32 किलोमीटर का क्षेत्र में 36 आइलैंड हैं। क्या है? 36 आइलैंड है। कवरत्ती इसकी राजधानी है। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या होती है? 530, 540, 550, 552। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस ऑर्गेनाइज किया जाता है। इनमें से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है? नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार जो है वो सार्क का सदस्य नहीं है। ठीक है, सार्क की स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी और ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ जो है इसकी स्थापना हुई। कुल 8 सदस्य शामिल हैं इसमें, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका, भारत और मालदीव। तो ध्यान रखिए, थोड़ा सा आप ऐसे क्वेश्चंस में मैप जो होता है ना इंडिया का, उसको देख लिया, उसको थोड़ा माइंड में लाइए। यहाँ पर जो श्रीलंका है वो है, यहाँ मालदीव है वो हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ठीक है, यहाँ नेपाल है वो हो गया और बांग्लादेश। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक खुद इंडिया, 7 पाकिस्तान और एक भूटान भी है, भूटान मत भूल जाना, नेपाल के बगल में एक भूटान भी है, वो भी है, म्यांमार नहीं है, भूटान है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है। निम्न में से
किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित है? बेंगलुरु, दिल्ली, औरंगाबाद या लखनऊ? तो अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं वो औरंगाबाद में महाराष्ट्र में स्थित हैं। ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? केरल का। ठीक है, अब बात आती है कि औरंगाबाद में सह्याद्री पर्वतमाला यानी कि पश्चिमी घाट की राककट गुफाओं की एक श्रृंखला के रूप में स्थित है। इसमें कितनी गुफाएं हैं अजंता एलोरा में? 29 जो हैं गुफाएं हैं, 25 को बिहार गुफाओं के रूप में तथा 4 को चैत्य के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। 25 को बिहार गुफाओं के रूप में, 4 को चैत्य गुफाओं के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और गुफाओं का विकास 200 ईसा पूर्व से 650 ईसा पूर्व के मध्य हुआ था। चलिए नेक्स्ट है हमारा 69। निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, ये पूछा गया है 69। तो आपने पूरा पढ़ा है, ये जैसे सूर्य बना हुआ है, अगर मान लीजिए ये हमारा, मान लीजिए ये जो है हमारा क्या बना हुआ है, ये हमारा सूर्य बना हुआ है, ये हमने सूर्य बना दिया यहाँ पर। और पूरे कितने ग्रह हैं, 8 हैं कि 9 हैं? अब हम यहाँ पर ग्रह बना देते हैं, ये सारे जो हैं अब हम यहाँ पर ग्रह बना देते हैं। ये ग्रह बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया। ठीक है, तो अब ये जो ग्रह हमारे बन गए हैं, ये ग्रह हमारे पूरे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, तो नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न, जुपिटर, मार्स, अर्थ, मरकरी। ठीक है, ये हमारे क्या है, ये हमारे 8 के 8 जो हैं ग्रह। तो सूर्य के पास सबसे कौन सा है, बुध। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। यहाँ पर एक एस्ट्रॉइड बीच में है, इसीलिए ये जो कहे जाते हैं ये आंतरिक ग्रह कहे जाते हैं और ये बाह्य ग्रह कह दिए जाते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, एक बेल्ट एस्ट्रॉइड की यहाँ पर गए हुए, इनके चारों तरफ क्या होते हैं, रिंग बनी होती है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण के चारों तरफ, और बुध और शुक्र, शुक्र और पृथ्वी। चलिए, तो ये सबसे नजदीक कौन सा है, बुध। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई रविन्द्रनाथ टैगोर। 70 क्वेश्चन का आंसर हो गया। गीतांजलि के इनको 1913 में आई थी गीतांजलि, उसके लिए इनको चुना गया था। किसके लिए, नोबेल पुरस्कार जीतने के प्रथम एशियाई थे ये। अब ये हिंदी का एक वाक्यांश आ गया है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, दो वाक्यांश हैं इसमें, तो इनको जो है आप पढ़िएगा और पॉज करके इसके आंसर फिर दीजिएगा। तो नेक्स्ट 70 के बाद, 75 के बाद 76 आता है हमारा, वो भी इससे रिलेटेड है। ये ग्राफ वाला क्वेश्चन आ गया है, ग्राफ में एक परीक्षा के 7 छात्रों के इतिहास, भूगोल और क्या, 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंगों का अनुपात दर्शाया गया है। छात्र हैं 7 छात्र हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और अनुपात रेशियो में, रेशियो 0.1 इतिहास और भूगोल 0.1। तो ये क्या है, अच्छा ठीक है, ये देखो दर्शाया गया है, पूछा जा रहा है कितने छात्रों ने भूगोल के पेचा। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा पॉज करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट में देखते हैं क्या है, सारे यही क्वेश्चन है। चलिए फर्स्ट वाला जो लेक्चर है वो हमारा हो गया है, फर्स्ट वाला जो हमारा पार्ट है वो कवरअप हो चुका है, ठीक है, पीटी का। तो ये क्वेश्चन आप सारे कर लीजिएगा, हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में, इनके आंसर हम आपको जस्टिफाई कर देंगे अगर कुछ प्रॉब्लम होगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, पढ़ते रहिए और मज़े में रहिए।
100 क्वेश्चंस जो है वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।